की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं रामपुरा चौराया उदयपुर से दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां पर आज हिंदू नववर्ष बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ आज समस्त स्कूल के विद्यार्थी जगह जगह हर एक चौराहे हर एक नुक्कड़ पर आज नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं जो है वो दे रहे हैं। तिलक और मिश्री लगाकर जो है स्वागत और अभिनंदन। जी भाई साहब, क्या कुछ? जी सर, आज भारतीय नववर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आलोक संस्थान के तत्वाधान में विभिन्न चौराहों पर आलोक संस्थान के सभी अध्यापकगण एवं बच्चे सभी नगरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। 2081 जो हमारा नववर्ष है वो सभी के लिए मंगलमय हो, यही हम सब कामना कर रहे हैं। सभी अपने जीवन में उन्नति करें, प्रगति करें, यही इस नववर्ष की सबको शुभकामनाएं है। पूरा देश आज नववर्ष मना रहा है, तो नववर्ष समारोह समिति एवं आलोक संस्थान ने 41 साल पूर्व जो एक बीड़ा उठाया था वो आज अनवरत जारी है। सरदे श्यामलाल जी कुमावत ने जो जिम्मेदारी उठाई थी उस जिम्मेदारी को आगे सभी कार्यकर्ता और आलोक संस्थान के सभी अध्यापक और बच्चे मिलकर इस बीड़े को आगे अंजाम दे रहे हैं। और नववर्ष समारोह समिति और आलोक संस्थान के तत्वाधान में आज पूरा देश ही नहीं वरन विदेशों में भी नववर्ष मनाया जा रहा है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। 2081 आपके लिए मंगलमय हो, यही कामना है। धन्यवाद। नववर्ष समारोह समिति और आलोक संस्थान के तत्वाधान में पिछले 10 दिन से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। दिनांक 1 अप्रैल से लेकर आज 9वां दिन है और इस 9वें दिन में आज विभिन्न चौराहों पर नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है। और आज सायंकालीन दूध तलाई पर नववर्ष समारोह समिति आलोक संस्थान एवं नगर निगम के तत्वाधान में विक्रमादित्य मेले का आयोजन किया जाएगा, साथ ही भव्य आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा। इस तरह से पूरा विभिन्न कार्यक्रम हुए थे नववर्ष में, जैसे कि पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता, आमंत्रण यात्रा जो 1 अप्रैल को आमंत्रण यात्रा हुई थी, फिर कल 2081 को हमने विदा किया था, उसके तहत एकलिंग जी से एक रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी जिसमें अयोध्या में विराजमान रामलला की हूबहू मूर्ति का अनावरण भी यहाँ किया गया था, जिसका विभिन्न चौराहों पर विभिन्न समाज के संगठनों के द्वारा स्वागत और पूजा की गई थी। और वह रथ यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुई जगदीश चौक पर भव्य आरती की गई, साथ ही गणगौर घाट पर उसका समापन हुआ जिसमें 2081 को विदा किया गया और एक महाआरती गंगा आरती का आयोजन नववर्ष समारोह समिति एवं आलोक संस्थान के तत्वाधान में आयोजित की गई। आप सभी को 2081 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामपुरा चौराहे से जहां पर आज आलोक संस्थान के द्वारा मिश्री एवं देकर आज नववर्ष की जो है बधाई शुभकामनाएं तिलक लगाकर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे सबको रोक कर सबको तिलक लगाते हुए, और नववर्ष जो है हमारा अपना सम्मत है तो 2081 में हमने प्रवेश किया है और देखते किस प्रकार से नगरवासियों में खुशी है। पूरे भारतवर्ष में ये एक खुशी की लहर जो है वो रहती है। और आप देख रहे हैं कि नगर के जितने भी चौराहे हैं उनको सजा दिया गया है, रंगोली यहाँ पर बनाई गई है और लिखा भी गया है 2081 हिंदू नववर्ष। तो रामपुरा चौराहे से ये आप लोगों के लिए नववर्ष पर खबर समर्पित है।